अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप ठीक ठाक होंगे और आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बहुत अच्छा गुजरा, बहुत बिजी गुजरा लेकिन बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी, ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, हयाती दी कि हम अपने बच्चों को इंजॉय कर सकते हैं, उनके बच्चों को इंजॉय कर सकते हैं। मैं समझती हूँ इससे बड़ी नेमत हमारे लिए कोई नहीं है कि अपने बच्चों के बच्चों को इंजॉय करना। इतने मीठे लगते हैं, इतने प्यार, कहते हैं ना कि दूध से ज़्यादा मलाई मीठी होती है और ये एक हकीकत है। जब वो आपके घर आते हैं और आके एकदम से आपको चिमटते हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम नानो, हाउ आर यू डूइंग, आप यकीन करें मेरा तो खून भर जाता है। इतने मीठे लगते हैं, जाते वक्त जितने प्यार से खुदाफिस करते हैं और खाना उनकी पसंद का मैं बनाऊं तो बाकायदा मुझे कहते हैं थैंक यू नानो, आई डोंट थिंक आपसे अच्छा कोई कुक है इस दुनिया में। मतलब आप यकीन करें आपकी औलाद से ज़्यादा प्यार आपको उनकी औलाद पे आता है। अल्लाह ताला सबको ये दिन दिखाए और सबको अपनी औलादों की खुशियाँ देखना नसीब करें, आमीन। नया हफ्ता, नया मेन्यू और इस नए मेन्यू में हम आपके साथ बनाएंगे क्रिस्पी स्पिनच चिकन। इसकी पालक बिल्कुल अलग होगी, ठीक है, इससे चिकन में नहीं डलेगी ये चिकन। ये पालक बारीक कटी हुई आपने कभी ऐसी नहीं बनाई है, ठीक है, पालक बारीक कटी हुई। इसके ऊपर हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे, थोड़ी सी सीजनिंग्स डाल के इसको थोड़ी थोड़ी करके हम क्रिस्पी बिल्कुल कड़क, जैसे भिंडी नहीं फ्राई करते हैं क्रिस्पी भिंडी, इस तरह क्रिस्पी पालक फ्राई होगी। पालक फ्राई करने के बाद फिर हम उसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे, थोड़े से तिल डाल के उसको मिक्स करेंगे और फिर जब चिकन हमारी प्लेटर में डल जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो फिर उसके ऊपर ये पालक छिड़क दी जाएगी। बहुत मज़े की होती है। ओके जी, उसके बाद हम बनाएंगे आज बुरीतो इंडियाना, ये मैक्सिकन डिश है। बुरीतोस बनेंगे उसके साथ, टॉर्टियाज के साथ, बहुत आसान है, ठीक है। और इसका सैलड बनेगा, इसकी सॉस अलग से बनेगी, सब चीज़ें होंगी। और फिर इसीलिए मैंने आज तीसरी आसान चीज़ रख दी थी, ये कॉफ़ी है जो इत्तेफाक से देखें जिन्होंने परसों कॉल करके कहा था। ये मिक्स कॉफ़ी है, इसमें थोड़ी सी मैं कोको पाउडर भी शामिल करूँगी, लेकिन अगर आपको चॉकलेट, अगर आपको कॉफ़ी में कोक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको कॉफ़ी में चॉकलेट का टेस्ट नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप कोको को अवॉइड कर दीजिएगा, मत डालिएगा, सिर्फ कॉफ़ी से बनाइएगा, ठीक है। बहुत मज़े की विप फिटी हुई कॉफ़ी होती है। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं और स्टार्ट करेंगे पहली रेसिपी। पहली मैं वही बना रही हूँ, क्रिस्पी स्पिनच चिकन, ठीक है। अच्छा, क्रिस्प देखें, गौर से सुनिएगा, दो स्टेप्स हैं। ये पालक मेरे पास ये रखी हुई है, पालक सूखी होनी चाहिए, अभी भी गीली है, हालांकि मैंने इसको अच्छा खासा पोंछा है, अभी भी गीली है। ठीक है, इस तरह दबा दबा के आप पोंछ लो। गीली नहीं होनी चाहिए बिकॉज मुझे इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है ना। ठीक है, अच्छा, तकरीबन ये मेरे पास 2 कप पालक है चॉप। देखें इस तरह आपको पोंछना पड़ेगा। ओके, अब हम चिकन लेंगे, 1/2 किलो मेरे पास चिकन है, बोनलेस स्ट्रिप्स में कटी हुई, जूलियन में कटी हुई, ठीक है। इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने ब्लैक पेपर, इटालिया का 1/2 टीस्पून, वाइट पेपर इटालिया का
बेहतरीन इनके मसाले हैं, हर चीज़। खैर, इटालिया इज़ रियली गुड। अच्छा, वाइट पेपर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर इज 1 टीस्पून। ठीक है, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे इटालिया का ही गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। ओनली गार्लिक, इसमें जिंजर नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे सिरका 2 टेबलस्पून, दो टेबलस्पून सिरका चला गया, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून चली गई, मैदा 3 टेबलस्पून, या 6 टीस्पून, इटालिया का कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, वन टू थ्री एंड फोर, 4 टीस्पून या 2 टेबलस्पून, और एक अंडा। अच्छा, अब आपको कश्मीरी लाल मिर्चें चाहिए, तलहार मिर्चें 4 से 5, ठीक है, मैंने 4 ली थी, और उसको आपको 2 घंटे 1 घंटा भिगो लीजिए। भिगोने के बाद आप इसको बिल्कुल बारीक पीस लीजिए, ये रखा हुआ है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, और फिर इस चिकन को भी हमें डीप फ्राई करना है। ठीक है जी, यहाँ पे ब्रेक का वक्त आ गया है, तेल जब तक गर्म हो रहा है ये चिकन थोड़ी सी टाइम मिल जाएगा इसको मैरिनेशन का। ठीक है, वापस आएंगे आपके सामने आके इसको फ्राई के लिए डालते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मेरी कोशिश है कि पालक में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना इसको मैं पानी पोंछ सकती हूँ पोंछ लें। धोना भी तो लाजमी है ना, यू कैन नॉट यूज़ पालक विदाउट वॉशिंग। ठीक है, चले अब हम चिकन को फ्राई करने लगे।
ऊपर ऊपर नहीं भर दीजिएगा। अच्छा अच्छा, पालक, पालक में भी हमें 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर डालना है। फोर टीस्पून ले रही हूँ, 2 टेबलस्पून। ठीक है, चिकन फ्राई हो जाएगी, फिर हम इसी तेल में पालक को फ्राई करेंगे। और पालक एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे, 2 हिस्सों में डालूंगी पालक। ज़रा सी अच्छी 5 to 8 मिनट्स फ्राई हो जाए ताकि चिकन गल जाए आपकी। एक साथ डालती तो वो एकदम से सही नहीं रहती, तो इसीलिए 2 शिफ्ट्स में मैं तल लूँगी इसको। अच्छा, ये जो कश्मीरी लाल मिर्चें रखी हुई है मेरे पास, इसमें मैंने केचप मिलाई हुई है, ठीक है, 1/2 कप। सोया सॉस मिलाऊंगी इसमें, 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें, और शुगर 1 टेबलस्पून जाएगी, और ऑरेंज कलर जाएगा, ये ऑरेंज कलर जाएगा, ये शुगर इसमें भी जाएगी थोड़ी सी, ये कश्मीरी लाल मिर्च हैं और केचप है। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा सोया सॉस 1 टेबलस्पून, केचप ऑलरेडी डली हुई है। हल्के चूल्हे पे था ना, इसलिए मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, हल्के पे वो तेल चूसेगी चिकन। ऐसी डिफरेंट चीज़ें बनाएं जो आपने कभी भी नहीं बनाई हैं घर में, बच्चों को, बड़ों को, सबको अच्छी लगेगी।
ये इसमें आधा किलो चिकन में जो तैयार हो जाएगी रेडी होने के बाद आप आराम से 6 लोगों को सर्व कर सकते हो। मैं इसी डिश को पहले पूरा करूंगी, फिर मैं उस पर आऊँगी। इसको निकालेंगे, फिर हम पालक फ्राई करके निकालेंगे, फिर मैं इसकी सॉस बनाऊंगी। और फौरन से इसको आपको हिलाना नहीं, ठीक है? थोड़ी देर उसको सेटल होने दे, वरना क्या होगा, इसका जो बैटर हमने बनाया था इसके ऊपर जो लगा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। बहुत डार्क ब्राउनिंग करना है, लाइट गोल्डन। अब आप देखिए, इसी तेल में मैं आधी पालक डाल दूँ। आप इसी तरह बिरयानी जब बनाते हो तो आप पालक को इसी तरह क्रिस्पी फ्राई करके पालक का रायता भी बना सकते हो। ज़्यादा नहीं भरिएगा। नींद मज़े की लगती है। बिल्कुल हाथ नहीं लगाइए, होने दें। पालक को भी फ्राई करते हुए आपको 5-7 मिनट आराम से लगता है। जल्दी निकालेंगे वो नरम फुस होएगी, फिर क्रिस्पी नहीं रहेगी। मैं काम करती हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वरना मैं इसको इधर रखती हूँ और मैं दूसरा बर्तन लेती हूँ और मैं सॉस बनाना शुरू करती हूँ। वरना टाइम ज़्यादा हो जाएगा, अभी नहीं हुई है। चलें जी, ब्रेक आ गई है तो बस ठीक है। फिर जब तक पालक होती है इस लॉट को निकालूंगी और दूसरा लॉट डालूंगी, ठीक है? फिर आके सॉस करेंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और बन रही है क्रिस्पी स्पिनच चिकन। ये मेरे पास सॉल्टेड बटर है, लूट पाक का बेहतरीन ब्रांड है, ये यूरोपियन ब्रांड है, हर जगह आपको आसानी मिल जाता है। और हर चीज़ में आप देख रहे हैं कि मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ।
चाय बेकिंग करती हूँ, चाय मैं कुकिंग करती हूँ, चाय बघार लगाती हूँ, हर चीज़ में सैंडविचेस पे स्प्रेड करना बेहतरीन है ये। इसमें सॉल्टेड भी है, अनसॉल्टेड भी है, इनकी पक क्रीम भी है, इनका स्प्रेडेबल बटर भी है, बेहतरीन टॉप क्लास बटर है ये। ठीक है, ओके। मैंने इधर क्वार्टर कप तेल डाल दिया है और इसी में मैं 1 ounce बटर भी डाल रही हूँ, लूपार्ट का सॉल्टेड। ओके, अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं काजू डाल रही हूँ, चॉप्ड काजू डाल दें या हाफ्स डाल दें, अनसॉल्टेड अनरोस्टेड हैं ये। ज़रा सा मुझे इसको हल्का सा कलर देना है, ज़्यादा नहीं जलाना है, ठीक है। जैसे ही काजू हो जाएंगे तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी कश्मीरी लाल मिर्चें कटी हुई या छोटी वाली साबत, चॉप्ड जिंजर एंड चॉप्ड गार्लिक। वन टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर, 1 tablespoon चॉप्ड गार्लिक। मैंने वही तेल लिया था जिसमें मैंने पालक फ्राई की थी। गार्लिक 1 tablespoon, चॉप्ड जिंजर 1 tablespoon, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई, 1 प्याज और शिमला मिर्च, जूलियन ग्रीन चिलीज मोटी वाली, 4-5 ले लीजिए। अच्छी खुशबू आती है अदरक लहसुन की। ये आप लोग बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 प्याज स्लाइस्ड, 1 शिमला मिर्च स्लाइस्ड। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने दें, प्याज को कच्ची कच्ची नहीं रहनी चाहिए। कैप्सिकम 1 slice, पालक देखी आपने कैसी कड़क है, ये देखें, ओह माशाल्लाह। इसमें मैंने तिल छिड़क दिया है, ये हो गया। अब मैं इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च, केचप, सिरका, सोया सॉस, थोड़ा सा ऑरेंज कलर, ये सब कुछ इसमें आ गया है। ये भी हो गया। अब हम इसमें फ्राइड चिकन डाल देंगे। बस ये हमारी चिकन रेडी है। इसको आप डिश आउट करेंगे प्लेटर में, कोई पानी नहीं जाएगा इसमें, कुछ नहीं। इसको आप डिश आउट करिए और ऊपर से पालक डालिए और पेश कीजिए।
क्वार्टर कप तेल लिया था, 1 ounce लोरपाक का बटर लिया था। थोड़ी सी चीनी और तेल, ठीक है बेटा चलो। ठीक है जी, ये हमारी डिश हो चुकी है कंप्लीट। हम चल रहे हैं ब्रेक की तरफ। थोड़ी थोड़ी पालक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बा वेलकम टू द अनदर एक्साइटिंग वीक ऑफ मसाला मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया बेटा। आपा मैंने वीकेंड्स के ऊपर आपकी जो इंपीरियल चिकन आपा ट्राई की थी, और आपा जो आपने मलेशियन पाम ऑयल के ऊपर मियामी बाइट्स दिखाए थे आपा, वो ट्राई किए थे। इट वाज जस्ट अमेजिंग आपा, दोनों बहुत जबरदस्त थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी आपा। मैंने सारे रिकॉर्ड करके प्रोग्राम रखे हैं मलेशियन पाम ऑयल के, उसमें भी ऑफ एंड ऑन आपने बहुत जबरदस्त चीजें सिखाई हैं। अच्छा, मुझे याद भी नहीं है क्या क्या बेटा। 6 महीने से चल रहा है, 5 महीने से जी आपा। आपने उसके कितने एपिसोड रिकॉर्ड करवाए हैं? I think 24. आपा 19 हो चुके हैं। अच्छा, ओके जी आपा 19 हो चुके हैं। और दूसरा मैंने आपा आपसे आपको रिक्वेस्ट करनी थी कि अपनी तरफ से और ग्रुप की तरफ से आपा विश कर दीजिएगा, आज हना की बर्थडे है आपा। अच्छा बेटा ठीक है जी, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, माशाल्लाह रेसिपीज बहुत अच्छी हैं। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और हम आ गए हैं आज की दूसरी रेसिपी पे, बुरीटो इंडियाना। बुरीटो इज़ अ मैक्सिकन डिश, ठीक है। ये बहुत मज़े का बुरीटो है। इसके लिए आपको टॉटियाज़ चाहिए, लिखा हुआ है मैंने इसमें मेरा ख्याल से रेडी मेड टॉटियाज़, आई थिंक आई हैव रिटन समवेयर। हाँ यस, रेडी मेड टॉटियाज़ 1 pack। आप इतनी आसानी हो गई है, आप यकीन करो ये मैंने नहीं बनाए घर में, मैंने रेडी मेड ले लिए थे। ये हाउस ऑफ सिब्लू, हाउस ऑफ समरा का जो ब्रांड है उसमें आते हैं ये, ठीक है। ये देखें, और ये बने हुए भी वीट के, गेहूं के बने हुए वीट के, मैदे के भी मिलते हैं, आलू से बने हुए भी मिलते हैं, लेकिन मैंने वीट के लिए हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया। अब हमें 1/2 kilo बोनलेस चिकन देनी है, और चिकन को हमें उसी तरह स्ट्रिप्स में काटना है, ठीक है। अब इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने। 2 tablespoons लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon इटालिया का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं जानू, क्या हालचाल है? जी बेटा अल्लाह का शुक्र, मैं आ रही हूँ इस्लामाबाद। माशाल्लाह जबरदस्त। आपा कब आ रही है जी से बताएं? मैं आ रही हूँ, आई कांट वेट टू सी यू। हाँ मैं आ रही हूँ 18 को, कुकिंग क्लास है लेजेंड में। अच्छा ठीक है, और आपा वो क्या कहते हैं 18 को कौन से होटल में? लेजेंड। अच्छा, और ये कौन से उसमें है सेक्टर में? हालांकि मैं रही भी हूँ वहाँ, लेकिन मुझे वेरी क्लोज टू एफ, मेरा ख्याल से जो आपकी मार्केट वार्केट है वहाँ से बहुत क्लोज है। आपका प्रॉपर एड्रेस हो ना तो सुनो, फिर तो मैं आ सकती हूं। तो आप ऐड देखो ना, हमारा ऐड चल रहा है कुकिंग क्लास का। अच्छा अच्छा, फोन नंबर उसमें चल रहा है। आपा हमारे चैनल की आवाज ही नहीं आ रही, मसाला की जितनी कोफ्त हो रही है मैं आपको क्या बताऊं। उस पे जाओ, फेसबुक पे जाके मसाला पे ज्वाइन करो, या अभी आप पूछ लो मेरे डायरेक्टर साहब से, ठीक है। आपको एड्रेस देते हैं, आप आना ज़रूर, इसी बहाने मुझसे रिदा से समीना से हम सबसे मिल लोगे, ठीक है। ओके, 1 tablespoon जिंजर गार्लिक डाल दिया, 3 tablespoon दही डाल रही हूँ, ओके। उसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट 1 teaspoon,
मेरा हाल देखें, उस चिकन में खैर ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत सारा वो था, सॉसेस वॉसेस थी, लेकिन मैंने उसमें नमक तो डाला ही नहीं। 1 टीस्पून सॉल्ट, हरी मिर्च पिसी हुई, हरा धनिया पिसा हुआ और पुदीना पिसा हुआ, 4 तेज़ हरी मिर्चें थी, 2 टेबलस्पून पुदीना, 1 टेबलस्पून पुदीना और 2 टेबलस्पून हरा धनिया, ये सब हमने पीस लिया और इसके साथ हमने इसको मैरिनेट कर लिया। छोटा प्याला है, इटालिया का अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून और योगर्ट दही 3 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, हरी मिर्चें 4 तेज़ वाली, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, पुदीने के 6-8 पत्ते 1 टेबलस्पून, सबको साथ पीस के आपने चिकन को मैरिनेट करना है। ठीक है, अब इसको हम 2 टेबलस्पून ऑयल या बटर में फ्राई करेंगे। हम ले रहे हैं 1 आउंस लूट पाक का बटर और 1 टेबलस्पून इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल। हर चीज़ आपकी शानदार बनती है लूट पाक डालने से। और इस चिकन को हम फ्राई करेंगे। ठीक है, अब मुझे सैलड बनाना है। सैलड के लिए मुझे चाहिए बंद गोभी, कैबेज चॉप्ड 1 कप, एक कप हमने बंद गोभी डाल दी भर के, उसके बाद 1 कप खीरा छोटे क्यूब्स में कटा हुआ, 1 टमाटर बीन्स निकाल के, 1 क्यूब्स में, ठीक है, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चाट मसाला 1/2 टीस्पून एंड सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून। अच्छा, मैरिनेशन एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ और सैलड भी रिपीट करती हूँ, परेशान ना हो प्लीज़ आप लोग। कैबेज सैलड का सुन लीजिए, 1 कप कैबेज, 1 कप खीरा चॉप्ड बीन्स निकाल के, 1 कप टमाटर चॉप्ड बीन्स निकाल के, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, सॉल्ट एंड पेपर 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, ये हो गया इसका सैलड। अब हमें इसकी सॉस बनानी है। पहले आप इसका मैरिनेशन सुन लीजिए। चिकन लिए 1/2 किलो बोनलेस जूलियन, ठीक है, उसको हमने मैरिनेट करना है 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून इटालिया का अदरक लहसुन का पेस्ट, दही 3 टेबलस्पून, नमक 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें छोटी तेज़ वाली 4 पीस के, साथ में हरा धनिया 2 टेबलस्पून डालना है और पुदीना 1 टेबलस्पून डाल के, ये तीनों चीज़ों को साथ पीस के आपने इसमें मिला दिया। ठीक है, ये बेहतरीन सा हमारा चिकन गलेगा। इसको मैं 10 से 15 मिनट पकाऊंगी कि चिकन हमारी अच्छी तरह गल जाएगी, फिर मैं इसमें कोयले का धुआं दे दूंगी। ठीक है, सैलड हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, सैलड हमारा रेडी है और अब हम आ रहे हैं अपने सॉस के इंग्रेडिएंट्स पे। ये यहाँ पे मेरे पास दही रखी हुई है, 1/4 कप दही रखी हुई है, इसमें मैं 1/4 कप से ज़्यादा है ये मैं निकालूँगी थोड़ी, वरना मेरी सॉस पतली हो जाएगी।
ठीक है। क्वार्टर कप दही, इसमें जाएगी मेयोनीज हाफ कप, ये सॉस है बुरीतो की, ये चली गई। इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रीम चीज़ पक्की, दो टेबलस्पून, वन एंड टू, टू टेबलस्पून पक्की क्रीम चीज़ चली गई। इसको आप अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये देखें क्या बेहतरीन स्मूथ सॉस हो गई है। अब इसमें प्याज जाएगी दो टेबलस्पून, हरी मिर्चें जाएंगी दो टेबलस्पून प्याज, हरी मिर्चें दो चॉप्ड, चाट मसाला हाफ टी स्पून, ये हमारी सॉस हो गई। एक मिनट बेटा, इधर सॉस रेडी है, उधर हमारा सैलड रेडी है, इधर चिकन पक रही है। ब्रेक आ चुकी है, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी तो इंशाल्लाह चिकन का पानी सूख चुका होगा, चिकन गल चुकी होगी, तो हम इस पे कोयले का धुआं दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये देख लीजिए हमारी चिकन रेडी है। हमने टॉर्टियाज लिए, टॉर्टियाज के ऊपर हमने सैलड डाला, सैलड के ऊपर हमने ये चिकन डाली। इसको कोयले का धुआं दे दिया है मैंने। गरम गरम के ऊपर मोज़रेला चीज़ जाएगी, सॉस जाएगी, साइड से पहले टर्न कर दीजिए। मैंने बहुत भर दिया है। खैर, थोड़ा सा ग्रिल करेंगे ताकि अंदर की चीज़ मेल्ट हो जाए। थोड़ा कम भर लीजिएगा, ठीक है। इसको तो मैं अभी संभाल लूँगी टूथपिक से, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। अब मैं थोड़ा कम भरूंगी, लेकिन फूला हुआ भी तो होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए ये। दबा लें थोड़ा ताकि बहुत ऊपर ना आए। अच्छा, इतने जल्दी ब्रेक आ गई है जी। वापस मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, मैंने थोड़ा कम भरा है, वैसे होते थोड़े मोटे हैं।
हाँ हाँ तीसरी पे आ रही हूँ, बिल्कुल आ रही हूँ। कॉफी मुझे थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए। कोको नहीं डालना है, नहीं डालो, मैंने आपको बता दिया है डालना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, डालना चाहो डालो, ठीक है। अच्छा, इंस्टेंट कॉफ़ी 4 टेबलस्पून, चीनी 4 टेबलस्पून, गरम पानी 4 टेबलस्पून और कोको पाउडर 1 टेबलस्पून। दिस इज़ नॉट कोको, सॉरी, कोको पाउडर इटालिया का नहीं है, शुक्र है नहीं डाला, वो चॉकलेट है ऊपर के लिए। पानी भी तीन से चार टेबलस्पून। दूध चाहिए आपको 2 कप। इसको आपको बहुत देर बीच करना है। अस्सलामुअलैकुम ज़ोरा। अस्सलामुअलैकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है आपा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मैं आज ही सुबह आपका सोच रही थी। अच्छा आपा जी, खैर और आप कैसी हैं? ठीक है जी जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपका शो तो बहुत ऑसम जा रहा है आपकी। बहुत शुक्रिया। आपने कुछ बनाया? जी जी, मैं बनाती हूँ आपकी चीज़ें, बनाती हूँ मैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आप क्या कहते हैं, मुझे ना थोड़ा सा चाइनीज स्टाइल में कोई चीज़ बनानी है, तो मुझे आप। अच्छा ठीक है, मैं चाइनीज सिखाती हूँ एक दिन, ठीक है? जी 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 इंशाल्लाह। देखें इस तरह से और फ्लफी होगा। दूध गरम करना है आपको, खोलता हुआ। अच्छा, ये जो कॉफ़ी का मिक्सचर है ना, इसको आप डब्बे में भर के फ्रिज में रख सकते हैं, एक हफ्ता आपका ये ख़राब नहीं होता है। ज़्यादा बनाइए, इतना सा तो 2 कप 3 कप के लिए काफ़ी होगा, आप ज़्यादा बनाइए। 1 कप चीनी, 1 कप कॉफ़ी, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर अगर डालना है तो, वरना फिर सिर्फ पानी और चीनी और कॉफ़ी से इतना बीट करें कि ऐसा थिक हो जाए। एक डब्बे में निकाल के फ्रिज में रख दें। जब भी आपको कॉफ़ी बनानी है, आपने दूध गर्म किया, दूध को आपने डाला अपने मग में और ऊपर से ये आपने डाल दिया, बेहतरीन। और फिर जिसको भी टेस्ट करेंगे वो खुद हिलाएंगे और इंजॉय करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत एहसान, शुक्र मेरे मालिक का।
आपका प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त होता है, आज आप चीजें बनाएंगी बहुत शानदार। एक तो मैं जरूर लाजमी ट्राई करूंगी जो आपने पालक के साथ बनाई। जरूर जरूर बनाएं, बड़ी मजे की होती है। और इसके दिन आप आपसे बात और पूछी थी, जो हम गाय के पाए लेते हैं एक लें या दो लें, तो हम मुझे इसकी जो चीजें ग्रेवी बनानी होती है मुझे वो आप जरूर बताएं। क्या चीज बनानी होती है? पाए का मसाला। अच्छा ठीक, इसकी तादाद बताइए कि इतने पारों में कितना सामान हम दें, प्याज है, लहसुन अदरक है, लाल मिर्ची हो। ठीक है, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त लगता है। मैं आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, जबरदस्त सुपरहिट आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी आपकी महाबारत का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैंने परसों ही पाए बनाए थे, मेरे घर पे बच्चे आए थे ना, तो लेकिन हम लोग बड़े के नहीं खाते, हम छोटे के खाते हैं। तो मैंने दो डज़न पाए लिए थे, दो डज़न, अब आप समझो दो डज़न पाए का मुकाबला आप दो बड़े के पाए ले लो, ठीक है। जब उसको बॉईल करना है आपको, तो मैंने उसमें दो बड़ी प्याज डाली थी, चार चार टुकड़े करके वो डाल दी, हल्दी का एक चम्मच डाला था। पहले बोलते साले चलें, खैर, दो टेबलस्पून अदरक लहसुन डाला था, ठीक है। रोनी भी सामने खड़े हैं, कोई नहीं कह रहा। और उसके बाद में लाल मिर्चों का पाउडर एक टेबलस्पून भर के, और हमने डाला था हल्दी एक चाय का चम्मच, बस ये सब डाल के आपने चढ़ा दिया, ठीक है। जब पाए आपके तकरीबन गल गए, आपने उसको अलग कर लिया। दूसरी पतीली में मैंने एक कप तेल लिया भर के, उसमें मैंने अदरक लहसुन फिर डाला दो टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर दो टेबलस्पून भर के, हल्दी मैंने डाली फिर से हाफ टी स्पून, और मैंने डाला लाल मिर्चों का पाउडर वन टेबलस्पून ही, दो टेबलस्पून पहले चला गया है। फिर मैंने एक से डेढ़ टेबलस्पून हल्दी डाल, लाल मिर्चों का पाउडर डाला, धनिया पाउडर दो टेबलस्पून डाला, उसको अच्छी तरह भूना। बहुत से लोग कहते हैं टमाटर नहीं डालते, मैं डालती हूँ, ठीक है। दो डज़न पाए में मैंने दो बड़े टमाटर लेके ब्लेंड किया, ब्लेंड करके छान के डाल दिया, और उसको अच्छी तरह भूना, और जो उबले हुए मेरे गले हुए पाए थे वो मैंने डाला उसकी ग्रेवी उस स्टॉक के साथ, और उसको छोड़ दिया। पहले भूना पाए को, फिर वो स्टॉक डाल के दम पे छोड़ दिया, आखिर में वन टेबलस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, बस। अच्छा रिकैप ब्रेक आ चुकी है, मैं एक इनको दिखा दूँ। देखिए ना, आप लोग बीच में ऐसे सवाल कर लेते हैं, फिर मैं मजबूर होती हूँ बताने में, क्या करूँ। शुक्र है अल्लाह का, दो कप तो बन जाएगी। अब ये जो हमने कॉफी फेंट, ये मिक्सचर आप रख सकते हैं, ये देखें, वाओ। एक मिनट मेरा बेटा, एक आप अपने मेहमानों को एक टीस्पून रख के इस तरह से देंगे कॉफ़ी, और वो खुद हिलाएंगे इसको और इन्जॉय करेंगे, ठीक है। हो गई हमारी कॉफ़ी रेडी। जिसको सीखनी थी, एक तरीका ये है, एक तरीका बहुत आसान तरीका है, वो भी, ये भी आसान है, वो मैं आपको इंशाल्लाह किसी दिन ले आऊँगी, सामान बता दूँगी, ब्लेंडर में बनती है वो, ठीक है। मिलते हैं आपसे रिकैप ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। आप कॉफ़ी का कलर देखें, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नीचे जा रही है, तो कॉफ़ी का कलर चेंज होते जा रहा है। अगर आपको सिर्फ दूध वाली कॉफ़ी नहीं चाहिए, तो आप दो कप दूध के बजाय आप एक कप पानी एक कप दूध डाल लीजिएगा, आप वो भी कर सकते हो। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा चॉकलेट डाला है, कद्दूकश किया हुआ ज़रा सा चॉकलेट,
चॉकलेट नहीं डालना है आपको, आप थोड़ी सी हाथ में अपने गीले हाथ से नहीं, बिल्कुल खुश्क हाथ से कॉफ़ी लीजिए, अपने हाथ में ज़रा सी अब वो ऊपर छिड़क दीजिए, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये कॉफ़ी आपको बहुत मज़े की लगेगी, लेकिन शर्त यह है कि गरम गरम सर्व करें, ठीक है जी। आज दावत में बन रहा है कोफ्ते का सालन और रेनबो पास्ता सैलड। कल इंशाल्लाह मंगल वाला दिन है और हमारे साथ हरबियन होगा, तो हरबियन का मैं एक ड्रिंक बनाऊंगी और शेफ साइमा हमारे साथ होंगी, वो इंशाल्लाह कल दो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगी। और इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी बखैर, अगर अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी दी, अगर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, तो कल इंशाल्लाह आपसे 11 बजे मुलाकात करेंगे। तब तक मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।